वायरल इन्फेक्शन है, जैसे आपको खांसी जुकाम एक वायरस से होता है, वायरल बुखार होता है, बहुत कॉमन है, उसी तरह से कोरोना वायरल इन्फेक्शन है। और 80% लोगों में ये बिना किसी दिक्कत के ठीक हो जाता है। ये बात सबको जानना बहुत ज़रूरी है। हम क्यों इसको जानना चाहते हैं कि जिसको हो उसका पता लग जाए, वो इसलिए कि उनको क्वारंटाइन करके, आइसोलेट करके बाकी लोगों में फैलने से हम बचाना चाहते हैं। क्योंकि देश में जितनी भी सुविधाएं हैं टेस्टिंग की, वो शायद काफ़ी नहीं होंगी अगर ये लाखों करोड़ों लोगों में करने की आवश्यकता पड़ जाए, और शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब भी सस्पेशन हो तो टेस्ट की उपलब्धता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये अभी सामने आई है भारत में कि जितने भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले हैं वो सब विदेश से यात्रा करके लौटे हैं, चाहे वो इटली और फ्रांस से लौटे हों, चाहे वो दुबई से लौटे हों, हांगकॉन्ग से लौटे हों, चाइना से लौटे हों, या अमेरिका से लौटे हों, ब्रिटेन से लौटे हों, तो वहाँ से आए हैं वापस, और उन लोगों में ये हमें मिला है। अब हमारा जो दायित्व बनता है कि ये जो लोग हैं अगर इनको पॉजिटिव हैं तो ये फिर सब में मिक्सअप ना हो, सोशल घर पे जाके अपने घर में रहें 14 दिन 15 दिन जब तक ठीक ना हो जाए। अगर पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नहीं है खाली सस्पेशन है तो भी घर में रहना है, क्योंकि अगर मालूम नहीं है अभी हमको। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते तो ये पता ही नहीं लगेगा किसको है किसको नहीं। इसलिए अब जो हम सरकार ने भी यही किया है और हम कह भी यही रहे हैं कि जितने लोग भी एयरपोर्ट्स पे हमारे आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करना बहुत आवश्यक है अपने घरों में। आपने कल देखा होगा बॉम्बे एयरपोर्ट पे उन्होंने एक स्टैंप लगाई है सबके, ये हथेली के पीछे आइसोलेशन।